राजस्थान में पति और बच्चों को छोड़ पाकिस्तान पहुंची अंजू सुर्खियों में। अंजू की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्ला के साथ शुरू हुई दोस्ती और फिर लव स्टोरी अब एक अलग मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले अंजू और नसरुल्ला का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो बाहों में बाहें डाले वादियों में एंजॉय करते दिखे थे। इसे उनका प्री वेडिंग शूट बताया गया था। पाकिस्तान में इस्लाम अपनाने के बाद अंजू का इस्लामिक नाम फातिमा रखा गया है। अंजू और नसरुल्ला की शादी जिला कोर्ट में हुई, जिसका निकाहनामा भी सामने आ चुका है। मालकुंड डिवीजन के DIG नासिर महमूद दस्ती ने अंजू और नसरुल्ला की शादी की पुष्टि की थी। लेकिन अब विशेषज्ञों की माने तो अंजू पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का मोहरा बन चुकी हैं। उनका मानना है कि वैध वीजा पर पाकिस्तान गई अंजू को ISI अपने इशारों पर नचा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ISI अंजू का इस्तेमाल कर रही है। उसके ही कहने पर अंजू का प्री वेडिंग शूट किया गया, बाद में इसे वायरल कर दिया गया। उसके हर कदम पर ISI की नजर है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा चुका है कि अंजू अब भारत नहीं लौटेगी, क्योंकि अगर वो अपने देश जाती है तो वहां पर उसकी हत्या हो सकती है। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ISI अंजू को भारत के खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर सकती है। उसका जो निकाहनामा सामने आया वो भी ISI की ही एक चाल थी। उसकी डिनर टेबल की फोटो तक को ISI ने ही जारी करवाया है। पाकिस्तानी मीडिया साजिश के तहत ये अफवाह फैला रही है कि भारत में अंजू की जान को खतरा है। नसरुल्लाह ने भी एक भारतीय न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उसे भारत में अंजू की जान पर खतरा नजर आ रहा है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अंजू और नसरुल्लाह का एक वीडियो ट्वीट कर शेयर किया। इसमें अंजू नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के साथ डिनर करते हुए दिखती है। खास बात यह भी है कि वीडियो में अंजू या फातिमा कह लीजिए बुरके में नजर आती है। हालांकि अब तक वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है। बता दें कि अंजू अपने पति और दो बच्चों के साथ राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी। वो पिछले हफ्ते नसरुल्लाह से मिलने के लिए वैध वीजा पर पाकिस्तान गई। उसने पति और परिवार वालों को ये ही बताया था कि वो जयपुर जा रही है, लेकिन बाद में पाकिस्तानी मीडिया के जरिए अंजू के पाकिस्तान में होने की खबर मिली। अंजू ने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से पाकिस्तान मिलने जाने की बात कही थी। उसे एक महीने का वीजा मिला था और कहा जा रहा था कि वो 20 अगस्त तक भारत लौट आएगी। अंजू फिलहाल नसरुल्लाह के साथ ही खैबर के अपर दीर इलाके में रह रही है। बताया जा रहा है कि उसने नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है, साथ ही नाम बदलकर फातिमा कर लिया है। जो प्री वेडिंग शूट का वीडियो सामने आया था उसमें ड्रोन शॉट्स भी दिखे थे। तब से ही बातें हो रही हैं कि इस तरह का वीडियो ISI की मदद से ही बनाया गया होगा। हालांकि इसके पीछे ISI का मकसद क्या है वो अब तक डिकोड नहीं किया जा सका है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।